अमृतकाल भारत का एक ऐसा काल जिसमें हमारा देश विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जिसमें उन्नति के नित नए द्वार खुल रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए नई नई संभावनाएं आकार ले रही हैं, विस्तार ले रही हैं। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक दिखा रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही मेक इन इंडिया को मिलेगा असीम बल। पिछले 60 वर्षों के इतिहास में बिना किसी जानलेवा दुर्घटना के ट्रेन संचालन एवं उन्नत तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध शिनकानसेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से निर्मित हो रही इस परियोजना की निर्माण अवधि में ही लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशन एवं 3 रोलिंग स्टॉक डिपो हैं। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर की अद्भुत गति से हवा से बात करेगी और इस दूरी को मात्र लगभग 2 घंटे में तय करेगी। कॉरिडोर के लिए 100% लैंड एक्विजिशन किया जा चुका है और जल्द ही बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए निर्माण कार्य भी तेज कर दिया गया है। भारत में पहली बार फुल स्पैन लॉन्चिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कन्वेंशनल लॉन्चिंग मेथड से 10 गुना तेज है। 40 मीटर लंबे एक फुल स्पैन बॉक्स गर्डर का वजन लगभग 970 मीट्रिक टन होता है, जिसके निर्माण में 390 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 42 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जाता है और इसे बिना किसी निर्माण जोड़ के ढाला जाता है। स्ट्रेडल कैरियर, ब्रिज लॉन्चिंग गेंट्री, गर्डर ट्रांसपोर्टर और लॉन्चिंग गेंट्री जैसी भारी स्वदेशी मशीनों का इस्तेमाल कर फुल स्पैन गर्डर का काम किया जा रहा है। 1100 टन क्षमता की ये मशीन गर्डर ट्रांसपोर्टर से गर्डर को उठाती है और 2 खंभों के बीच लाकर सावधानी से खंभे पर लगे बेयरिंग पर रख देती है। इस प्रक्रिया को गर्डर लॉन्चिंग कहते हैं। इस तरह 40 मीटर का पुल महज 16 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग तकनीक के उपयोग के साथ यातायात को बाधित किए बिना रेलवे ट्रैक और सड़क मार्गों पर वायाडक्ट यानी पुलों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मार्ग पर आने वाली नदियों पर पुल बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। 24 पुलों में से 20 पुल गुजरात में और 4 पुल महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं। गुजरात में सबसे लंबा पुल नर्मदा नदी पर लगभग 1.2 किलोमीटर का होगा, वहीं महाराष्ट्र में वैतरणा नदी पर लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। साथ ही 28 स्टील ब्रिज भी इस कॉरिडोर का हिस्सा होंगे और 7 माउंटेन टनल्स व 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल भी बनाई जा रही है, जिसमें 7 किलोमीटर की एक अंडरसी टनल भी बनाई जा रही है। बेहद सुरक्षित एवं उन्नत जापानी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी में निर्मित किए जा रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ट्रैक सिस्टम के लिए आरसी ट्रैक बेड बिछाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये पहली बार है कि भारत में जे स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाले हर स्टेशन का डिजाइन स्टेशन के शहर की स्थानीय कला संस्कृति से प्रेरित होगा, साथ ही स्टेशनों के निर्माण में दिखेगी विश्व स्तरीय तकनीक। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन के नजदीक दांडी मार्च से प्रेरित एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार किया गया है, जो यात्रियों को साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन, पश्चिम रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और BRT कॉरिडोर से जोड़ेगा। रफ्तार के एक नए युग का आरंभ करने वाली ये बुलेट ट्रेन कई उन्नत तकनीकों एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगी। जापानी शिनकानसेन तकनीक से निर्मित हो रही बुलेट ट्रेन में 10 कारें होंगी, जिनमें लगभग 690 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। ट्रेन में बैठने की व्यवस्था 3 तरह की होगी। फर्स्ट क्लास, जिसमें लगभग 15 सीटें होंगी, बिजनेस क्लास, जिसमें लगभग 55 सीटें और स्टैंडर्ड क्लास में लगभग 620 सीटें उपलब्ध होंगी। बुलेट ट्रेन को एरोडायनेमिकली डिजाइन किया जा रहा है। दिव्यांगजन यात्रियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को खास सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यही नहीं, बीमार व्यक्तियों और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए मल्टीपर्पज रूम की व्यवस्था होगी, जिसमें फोल्डिंग बेड, बैगेज रैक आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बुलेट ट्रेन परियोजना में अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम के तहत 28 भूकंप मापी यंत्र लगाए जाएंगे। पूर्ण रूप से निर्मित होकर जब पटरी पर दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, तब अनायास ही मुख से निकल पड़ेगा सक्षम भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत।